जय माता दी गाइस, वेलकम जय बैक माता दी टू गाइस। न्यू व्लॉग। और आज गाइस डे वन कैंप एनएसएस। अगर मैं कुछ दिखा बोल नहीं रही वो बोल नहीं रही कह रहा हूँ, बोल नहीं पाऊँगा, पर मैं दिखा दूंगा थोड़ा थोड़ा क्लिप में, इसलिए थोड़ा मैनेज करना। अगर बोल सकूँगा तो बोल दूंगा, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े लोग आएंगे सोनू जैसे, उनके आगे हम कहाँ ही बोल पाएंगे। मैं तो बीसे करो, मैं कहाँ से बड़ा हो गया। और एक बड़ी बात, यहाँ पर भी लेट हो चुके हैं हम 10 मिनट के लिए। ये हमारी क्लासेस की तरह है, हाँ, जिसमें हम लेट जा रहे हैं 10 मिनट। चल भाई फटाफट, चल फटाफट। देख रहा भाई, एनएसएस कैंप डे वन। हो गए वानियों,
सोल्जर गेम, या तो वो नशे में जाएंगे या गंदी आदतों में जाएंगे जाएंगे, अगर चैनलाइज हो गए तो देश को आगे ले जाएंगे। ऐसा सपना गांधी जी ने अपने टाइम में देखा होगा और उन्होंने प्रपोज किया था कि आज़ादी के बाद एक ऐसा संगठन खड़ा किया जाए जो कि युवा शक्ति को इस कार्य में लगाए, चैनलाइज करें, राइट। अब हम जब ये ऐसा प्रपोजल आया, ये 48 में तो गांधी जी की डेथ ही हो गई थी, ये प्रपोजल जो है चलता रहा, डॉक्टर राधाकृष्णन ने इसे आगे बढ़ाया, फिर रुक गया, फिर आगे बढ़ा, यही 64 आ गया, UGC चेयरमैन थे डॉक्टर DS कोठारी, उनके समय फिर ये प्रपोजल आया कि गांधी जी को सम्मानित करने के लिए उनके 100वें वर्ष पे कोई ना कोई तो ऐसी योजना हो जो हम उनको समर्पित कर सकें। वहीं से ये विचार आया कि जो युवा शक्ति है उसका एक संगठन तैयार किया जाए। अब ये इसकी योजना को बनाते बनाते 1966 आ गया और मैं तो उसे समझता हूँ कि गंगा को आना था, अय्यश भगीरथ को मिलना था, क्योंकि मैंने 66 में यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी, करोड़ मिल कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में था मैं, तो जब ये नोटिस आया कि आप एक ऐसे संगठन खड़ा करें तो नोटिस बोर्ड पे आया, उस समय जब आपने ज्वाइन किया होगा तो नोटिस बोर्ड पे आते हैं कि आप ये सोसाइटी ज्वाइन कर सकते हैं, सो कोई ड्रामेटिक्स ज्वाइन करता है, कोई और सोसाइटी ज्वाइन करता है, चाहे वो ड्रामेटिक्स हो, डिबेट हो, स्पोर्ट्स हो, जो भी कल्चरल हो, म्यूजिक हो, सो ये सारे होती है सोसाइटी। तो मेरा ध्यान उस नोटिस पर गया जिसमें लिखा था कि इस तरीके की एक सोसाइटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेज करना चाहती है। अब आप ये समझिए कि जैसे अभी आप बैठे हुए हैं, कोई एक नई सोसाइटी यूनिवर्सिटी रेज करना चाहती है, सो उसके बारे में आपके कोई अपडेट तो है नहीं? कि गुरु नानक जी ने एक बारी सबको आशीर्वाद दिया, दो तरह के लोग थे, बुरे थे और अच्छे थे। अच्छों को बोला कि तुम फैल जाओ, बर्बाद हो जाओ, इधर उधर चले जाओ, रुल जाओ, यहां से निकल जाओ, और बुरों को बोला कि तुम यहीं ठहर जाओ। तो एक व्यक्ति आया, सर को अच्छे से पता होगा क्योंकि उनकी नॉलेज मुझसे बहुत हाई है, तो उन्होंने बोला ऐसा क्यों, तो बोले कि ये जो अच्छे लोग हैं ना, जब ये फैलेंगे तो ये क्या करेंगे, अच्छाई फैलाएंगे, अगर ये बुरे फैल गए तो क्या होगा, जैसे कोविड फैला था, राइट। इसी तरह से आपके अंदर की जब वैल्यूज को अप किया जाएगा इस कैंप के माध्यम से, जब ये सब चीजें आप सीखेंगे, इसके साथ आप संस्कार भी सीखेंगे, अच्छे बुरे की बातें भी सीखेंगे, हम यूं तो अपने पेरेंट्स से भी सीखते हुए आए हैं, परंतु ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं यदि युवाओं को आगे उनकी उन्नति और तरक्की के लिए कार्य करना है। ये पैरेलली जब तक हम पढ़ते हैं, सिर्फ यहाँ पर डिग्रियां लेने नहीं आते हैं, यहाँ पर हमारी वैल्यूज को भी इंक्रीज किया जाता है, फिनिशिंग लाई जाती है उन सब चीजों में। दैट इज वाई ये NSS यूनिट आज हमारे बीच में है, और मैं बताना चाहूंगा कि एशिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है आज NSS यूनिट, और जिसपे हम हमेशा ही, अभी सर भी बोल रहे थे, गुप्ता सर ने भी बताया, सर ने भी बताया कि हम युवा देश के लिए बहुत उन्नति और तरक्की का कार्य करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को सोचोगे कि मैं अकेला ऐसा क्या करूंगा, पर मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। आज आप यहां से पढ़ लिखकर एक अच्छे इंजीनियर बनेंगे, एक बैंकिंग सेक्टर में जाएंगे, जब वहां बैंकिंग सेक्टर में जाएंगे आपकी वैल्यूज होंगी, जब NSS की NSS से सीखी हुई चीजें, जब आप वहां पर आपसे कोई मदद मांगनेगा, चाहे आप इंजीनियर हो, चाहे आप डॉक्टर हो, आप कोई भी जॉब कर रहे हो, किसी भी सीट पर बैठकर, क्या आप किसी के साथ बदतमीजी से बात कर सकते हो? पर मैंने देखा है बैंकिंग में बदतमीजी करते हुए, ऑफिस में बदतमीजी करते हुए, गवर्नमेंट सेक्टर में बदतमीजी करते हुए, मैं वहां गुस्सा तो आता है, पर मैं जब NSS का प्रोडक्ट हूं तो मैं ये समझता हूं कि इस इंसान की वैल्यूज में कमी है। दैट इज वाई ये आज समझ नहीं पा रहा, परंतु यदि कोई व्यक्ति वहां खड़कर वहां बैठकर समझ रहा है, आपको कोऑपरेट कर रहा, अपना 5 मिनट दे रहा है, इसका मतलब उसके पेरेंट्स
के संस्कार उसमें है, उसके दोस्तों के संस्कार उसमें है, और अच्छे दोस्तों के साथ रहे, अच्छे माँ बाप के साथ रहे, जो शिक्षा प्रणाली थी उस बच्चे की, उस युवा की, वो बहुत अच्छी रही है। यदि अगर ये सारी चीजें ना रही तो हमें समझ नहीं आएगा। और इससे भी बड़ा एग्जाम्पल देना चाहूंगा, 180 कंट्रीज से ज्यादा देश हमारे इस पूरी पृथ्वी पर हैं। आप देखिएगा कि जो भी देश आज अच्छे से स्टेबल नहीं है, क्योंकि वहां के यूथ स्टेबल नहीं है। आप देख लीजिएगा इस सेशन के बाद रात को जब आप आराम से बैठे, जो आप समय सोशल मीडिया को, व्हाट्सएप को देते हैं, इंस्टाग्राम को देते हैं, किसी भी चीज को देते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है 5 मिनट देखिएगा उस कंट्री की हिस्ट्री। वहां पर यूथ की वेलफेयर के लिए, यूथ की वैल्यूज के लिए कुछ किया ही नहीं जाता है। वो आप अरब कंट्रीज लगा लीजिए, कोई भी देश लगा लीजिए, मैं इस मंच पर खड़कर नाम नहीं लेना चाहूंगा, परंतु आप जरूर रिसर्च करिएगा, जहां का युवा युवा को रीढ़ की हड्डी समझा जाता है, और जहां की रीढ़ की हड्डी कमजोर है, वो देश कभी भी आगे नहीं बढ़ पाया। तभी हमें देश की रीढ़ की हड्डी के नाम से भी पहचाना जाता है। वी प्लेइंग एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अवर सोसाइटी, इन अवर नेशन, बिकॉज वी आर द बैकबोन ऑफ अवर नेशन। So, क्यों देश के प्रधानमंत्री से लेकर देश के राष्ट्रपति तक, एक आईएएस से लेकर एक टीचर तक, सबको पता है कि आज राष्ट्रीय सेवा योजना में काम करने वाले हमारे जो स्वयं सेवक हैं, वो देश की रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं। तो दोस्तों अभी रूम पे आए हैं और बहुत मजाक मस्ती चल रही है वहाँ पर। हर चीज़ वीडियो में नहीं दिखाई जा सकती, कुछ चीज़ें पर्सनल होती है, जैसे कोई गेम हुई या कुछ हुआ और एक टीम हारती है तो दूसरी टीम को डेयर देती है, वो उससे कुछ भी करवा सकती है, डांस वांस। तो जो छोटी छोटी क्लिप है चोरी छुपे बना रहा हूँ मैं, तो देख लेना, और ये मत बोलना कि सारा दिखा दो, सारा नहीं दिखाया जा सकता एक साथ, ठीक है। और अभी आया हूँ, टाइम हो रहा है 8:30, वापस जाना 9:15 पे, और फिर आएंगे हम 11 या 12 बजे। चलो देखते हैं जब भी होगा तो आ देंगे। ये देखो गाइस, रात के 12 बजे का माहौल, ऐसा सा कुछ हो रहा है, सारा अंधेरा अंधेरा। अभी जा रहे हैं हॉस्टल गाइस, हम तो आ गए पीछे, उनको डांट पड़ रही है। ये रसोनू भाई ज्यादा चिल्ला रहे थे गाइस, तो मैं नहीं चिल्ला रहा था भाई, मैं तो सबसे पहले निकला। लो गाइस मत्था टेक लो। तो ऐसा रहा कुछ हमारा एनएसएस का कैंप डे 1। आगे भी आपको दिखाते रहेंगे, पहले रूम पे चलते हैं। सो गाइस आज का व्लॉग यही एंड होता है, और गाइस अब वहाँ इतनी मस्ती होती है, ये होता है, वो होता है, बहुत कुछ होता है। अब मैं आपको हर चीज़ नहीं दिखा सकता व्लॉग में, क्योंकि कई बार मतलब समझ जाओ यार, अब मैं क्या बताऊँ। गेम्स होती है, कोई हार जाता है तो उनको पनिशमेंट मिलती है, तो हम उसकी वीडियो नहीं बना सकते ना, ऐसे उसकी बेइज्जती हो जाएगी बेचारे की। क्या अरे कुछ बनाई है, सारी नहीं बना सकते गाइस, तो जो बनाई है वो उसी में ही थोड़ा संघर्ष करिए, और जितना हो सकेगा मैं डालने की कोशिश। बनियान का व्यू तो अच्छा मिल रहा है। चलो ठीक है गाइस, आज का व्लॉग यही एंड होता है। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और मुझे इंस्टा फॉलो करना। बस गाइस अब आपसे कल मिलेंगे एक नए व्लॉग में। जय माता दी।